नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के लिए धुआंधार प्रचार, दिग्गजों ने झोंकी ताकत। दूसरे दौर में 65% से ज्यादा वोटिंग, प्रदेश में नामांकन का आखिरी दिन। उत्तराखंड की 69 सीटों पर रिकॉर्ड 68% मतदान। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, दिग्गजों ने किए जीत के दावे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषणों पर जताई कड़ी नाराजगी। चुनाव आयोग से पूछा, रोकने के लिए क्या उठाए जा सकते हैं कदम, आज देना है जवाब। रोम शर्मिला के दावे पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत, दावा खारिज कर चुकी है बीजेपी। मणिपुर में दूसरे दौर के नामांकन का आखिरी दिन आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषणों पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, आयोग को इस बारे में आज जवाब देना है। लखनऊ पीठ के सामने एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अपील कर रहे हैं। चुनाव के दौरान जाति धर्म के आधार पर वोट मांगना और ध्रुवीकरण की कोशिश करने पर प्रतिबंध है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री की तस्वीरों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है, साथ ही इसे तत्काल हटाने का आदेश जारी किया है। इसे लेकर आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। आयोग ने अधिकारियों से दूसरे मंत्रालयों की वेबसाइटों से भी ऐसी तस्वीरों को हटाने के लिए कहा है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कल दूसरे दौर के मतदान के बाद अब तीसरे दौर का चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो जगहों पर रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री 11 बजे हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि 1 बजे वो बाराबंकी में रैली करेंगे। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव और कानपुर शहर में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज 3 रैलियां करेंगे। अमित शाह प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अमेठी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज 3 रैलियां करेंगे। अखिलेश यादव मैनपुरी, कन्नौज और इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव अपर्णा यादव के लिए भी प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में जनसभा करेंगे। राज्य में तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 17 फरवरी को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। 7वें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। पूरे प्रदेश में मतगणना 11 मार्च को की जाएगी। वहीं मतदान के 6ठे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। 6ठे चरण में 4 मार्च को 49 सीटों के लिए मतदान होगा। शनिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। और इस समय हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ इटावा से जुड़े हैं। वहीं कानपुर में मौजूद है हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे तीसरे दौर के लिए। खासतौर पर अब सबकी नजरें हैं। और रविंद्र, हम देख रहे हैं धुआंधार प्रचार चल रहा है। कानपुर की बात करें तो आज बड़ा नाम राजनाथ सिंह जो चुनाव प्रचार के लिए दिखाई देगा। किस तरह का दम लगाया जा रहा है तीसरे दौर के लिए? जी, तीसरा काफी अहम दौर माना जा रहा है, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब से दो दौर का मतदान हो गया है और
बड़ा भारी भरकम मतदान इस बार देखने में आया है। पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। उसके बाद तीसरे दौर में जहां पर 69 सीटें चुनाव मैदान के लिए इस बार जा रही हैं, उसमें बहुत अहम हो जाता है कि ये जो क्षेत्र है परंपरागत तौर पर इस इलाके में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा है, यहाँ पर विखंडित रहा है जनादेश जो पूर्व में देखा गया है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं उनको जनता के सामने रखा जाए और उनके आधार पर यहाँ पर वोट की अपील की जा रही है। पूर्व में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर रैली कर चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव यहाँ पर लगातार रैली कर चुके हैं और कल बहुजन समाज पार्टी के नेता ने भी यहाँ पर रैली की। खासतौर पर ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर के नाम से जाने जाने वाले इस कानपुर शहर और कानपुर के आसपास इलाके जो है इंडस्ट्रियल औद्योगिक, अगर इसको हम राजधानी यहाँ पर कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में ये उद्योग का एक बड़ा केंद्र यहाँ पर रहा करता था, एक रोजगार के यहाँ बहुत साधन उपलब्ध थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से रोजगार घटा है और खासतौर पर जो विमुद्रीकरण या डिमोनिटाइजेशन का यहाँ पर असर देखने को मिला है, इस वजह से यहाँ पर काफी इस बार मतदाता मुखर है और किस तरफ उनका वोट का झुकाव रहेगा ये अहम रहेगा। रोजगार यहाँ पर काफी प्रभावित हुआ है, इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर पलायन का शिकार हुई है और जिस तरीके से यहाँ महंगाई की मार पड़ी है वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। और अगर हम देहात की बात करें तो पानी की यहाँ बड़ी कमी है इस इलाके में और बिजली भी एक मुख्य मुद्दा रहा है। बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे आपसे इन तमाम बुनियादी मुद्दों के बारे में, किस तरह से लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं और क्या ये मुद्दे उठाए गए हैं कानपुर में प्रचार के दौरान, या किसी ने कोई रोड मैप तैयार करके दिया है क्या कानपुर के लिए, बिल्कुल हम आपसे समझेंगे। फिलहाल हम अखिलेश सुमन के पास चलेंगे, जो कि कहा जाए कि इस चुनाव के सबसे दिलचस्प चुनावी मैदान में समय अखिलेश सुमन खड़े हैं, तो शायद अखिलेश गलत नहीं होगा। समाजवादी परिवार की लड़ाई की धुरी एक तरह से इटावा ही है, और क्या माने कि इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि परिवार की लड़ाई किस तरफ जाती है? अखिलेश, निश्चित तौर पर प्रीति देखिए 69 सीटों में 55 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और ये जो इटावा मैनपुरी और कन्नौज का इलाका है, यह इलाका दरअसल मुलायम सिंह परिवार का की कर्म भूमि रही है, उनके परिवार का कहें कि गढ़ है यही इलाका। यही से शिवपाल यादव यहाँ से जसवंत सिंह नगर से खड़े हुए हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी वहां से सांसद है और मुलायम सिंह यादव की पूरी कर्म भूमि इस इलाके में रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इटावा से सटे सैफई हो या मैनपुरी हो, वहां का विकास उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों की तुलना में सिर्फ इसलिए हुआ है कि मुलायम सिंह का परिवार इसी इलाके में सिमटा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती इस बार इसलिए है कि 55 सीटें समाजवादी पार्टी के पास ऑलरेडी है, इस बार 57 सीटें समाजवादी पार्टी ने खड़ी की है और 12 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी है। तो यह एक महत्वपूर्ण होगा कि 12 सीटों में से दो कांग्रेस के पास थी, अभी तक 10 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में समाजवादी पार्टी अपने वोट को ट्रांसफर करा पाती है कि नहीं करा पाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कांग्रेस के लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि जब भी वे समाजवादी खेमे के लोगों के साथ अलायंस करते हैं तो समाजवादी खेमों का वोट उनको ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस बार इस बात का भी टेस्ट होगा कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है वह उनके गढ़ में पूरी तरह से ठीक होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद जो मैं समझना चाहता हूँ, एक और लोगों का आरोप रहा है जो उत्तर प्रदेश जी, अखिलेश आप बता रहे हैं इस गढ़ में समाजवादी पार्टी अब कैसा परफॉर्मेंस देती है, सबकी नजरें होने वाली हैं। प्रचार की अगर बात करें आज कन्नौज में क्या कहेंगे अखिलेश यादव, इस पर तो नजरें होंगी, लेकिन इटावा में वो किस तरह से प्रचार करते हैं क्या ये सुनना आज दिलचस्प होगा, खासकर जसवंत नगर सीट? ना निश्चित तौर पे सुनना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर मुलायम सिंह यादव की जो आप रैलियां देखें उसमें वो बता रहे हैं अपने जो कार्यकाल थे मुख्यमंत्री तो काल के उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने व्यापारियों के टैक्स मांग किए, किस तरह उन्होंने जो सिख समुदाय के लोग थे उत्तर प्रदेश में उनको उन्होंने मदद पहुंचाई, उनको बसाया। तो मुलायम सिंह यादव अपने मुख्यमंत्री तो काल की बखान कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव निश्चित तौर पे इस गढ़ में इस बात को बताने का प्रयास करें कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और पूरी तरह से वो अखिलेश के पीछे खड़े हैं एक पिता के रूप में। लेकिन इसके साथ अखिलेश को यह भी दिखाना है कि उन्होंने भी इस इलाके के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, जैसा कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने शुरू किया था। तो अखिलेश के लिए मुलायम सिंह यादव की जो लीगेसी है उस लीगेसी को बरकरार रखते हुए अपने को उस परिवार का एक
महत्वपूर्ण व्यक्ति घोषित करने की एक चुनौती होगी और लोगों को यह विश्वास दिलाने का काम होगा कि वे उस समुदाय के महत्वपूर्ण नेता हैं और मुलायम सिंह के असली वारिस वही हैं, राजनीतिक रूप से पारिवारिक रूप से तो हैं ही। बिल्कुल, ये भरोसा दिलाना होगा अखिलेश यादव के लिए, उस पूरे इलाके में प्रचार करना और उसके बाद अपने समूह के लोगों का वोट पाना। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती, और साथ ही ये भी देखना होगा कि वो शिवपाल यादव के समर्थन में किस तरह के संबोधन करते हैं, इस पर भी नजरें काफी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपने इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक इटावा से पहुंचाया, और रविंद्र शोरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कानपुर से इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में जो दूसरे दौर की 67 सीटों पर कल मतदान हुआ है उनमें 65% से ज्यादा वोटिंग हुई। राज्य में दूसरे दौर के मतदान को लेकर लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, क्या युवा, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आने वाली सरकार हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा भी सही होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, बच्चों को, बच्चे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, किसान मजदूरों को राहत मिलनी चाहिए, परेशान है किसान मजदूर बहुत ज्यादा, और गलियों में खरंजे नाली बननी चाहिए। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 748 कंपनियां तैनात की गईं। मैं ये समझता हूं कि ये सारे इंतजामात के चलते जो बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन वोटर्स की देखने को मिली। इस दौर में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 67 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद 721 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस दौर में सबसे ज्यादा 67 उम्मीदवार बीजेपी और बीएसपी ने उतारे हैं, जबकि आरएलडी के 53, समाजवादी पार्टी के 51, कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों समेत 207 निर्दलीय भी मैदान में हैं। इससे पहले प्रदेश में पहले दौर की 73 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान हुआ था। दूसरे चरण के चुनाव की खासियत है मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता और उसके खिलाफ ध्रुवीकरण के आसार। अगर मुस्लिम मतदाताओं में विभाजन होता है तो इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन अगर ध्रुवीकरण होगा तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को मिलेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर से अखिलेश सुमन। और उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के मतदान के बाद तीसरे और चौथे दौर के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में कर रैली की तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाराबंकी में रैली को संबोधित किया। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ समेत कई जगह चुनावी जनसभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में रैली की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गठबंधन लोगों के विकास के सपनों को चकनाचूर कर देगा। नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव के विकास के दावों पर भी सवाल उठाए। आज मैं यूपी का अगर खाका खोलूं तो कहीं अप नजर नहीं आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है। आज यूपी में जनता का भरोसा डाउन है, विकास का ग्राफ डाउन है, कानून व्यवस्था डाउन है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ समेत कई जगहों पर चुनावी सभाएं की। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के वादे पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बीते 2.5 साल से सिर्फ लोगों को परेशान करने में लगी है और वो अपने मन की बात भी नहीं समझा पाए। हमने तो कहा कि इतने दिनों से मन की बात कर रहे हैं आप, कम से कम कोई काम की बात तो करो, कि कोई काम किया हो तो हमें भी बता दो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बाराबंकी के जैतपुर रैली में प्रधानमंत्री ही निशाने पर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री पर गरीबों की अनदेखी और कारोबारियों के हितों में काम करने का आरोप लगाया। आप मुझे बता दीजिए कि इन लाइनों में हिंदुस्तान का एक बड़ा उद्योगपति नहीं दिखाई दिया, क्या उनके पास कैश नहीं है क्या? एक अमीर व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाराबंकी रैली में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जताया। बीजेपी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी वैन की केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा
चुनावी वादों का अब तक लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। तीसरे दौर में 19 फरवरी को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होना है, वहीं चौथे दौर में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के 3 गांव में इस बार राजनीति बेहद गर्म है, लेकिन यहां गर्द गुबार राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं उड़ रहे। गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर नाराज हैं। ये है औरैया जिले के भरतौल पंचायत की तस्वीरें। पंचायत में 3 गांव हैं और तीनों बेहाल। मुख्य सड़क से नीचे उतरते ही सड़कें विकास के दावों की कलई खोल कर रख देती हैं। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस वक्त तो मिट्टी सूखी हुई है, लेकिन बरसात में यहाँ आना जाना दूभर हो जाता है। लोग कामकाज को बाहर नहीं जा पाते और बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। बहुत दूर तो स्कूल है, गांव में स्कूल भी नहीं है और जाते हैं बहुत खराब रास्ता है और रास्ते में साइकिल भी टूट सकती है, गिर सकती है, इसलिए हमको कभी कभी बरसात में बहुत दिक्कत होती है, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। बरसात में इतनी दिक्कत है और अभी तो स्कूल भी नहीं जाते, इसी वजह से रोज थक जाते हैं। कच्ची रोड है यहाँ की। तो सड़क बनाने के लिए गाँव वालों ने कई बार जिला प्रशासन और विधायक को अर्जी दी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बार। जब लोगों का सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। गांव में जगह जगह बैनर और पोस्टर टंगे हैं जिनमें साफ लिखा है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। अपनी बहनों की हम शादी करना चाहें तो यहाँ बारात लाने से मना करते हैं। वो बारात लाना नहीं चाहते, उसका कारण यही है कि भाई रोड नहीं है तो यहाँ तक इतना 5 किलोमीटर वो पैदल इतना सब ढोके नहीं आएंगे। और ये नेता जितने भी आते हैं वो यही कहते हैं कि हम आपका रोड बनवा देंगे और वोट डाल दीजिए। वोट डाल देते हैं, उसके बाद चले जाते, भूल जाते हैं और फिर से उनको याद आता है जब वोटिंग के समय आता है। लेकिन इस बार भरतौल के लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनका मानना है कि वो मतदान के खिलाफ नहीं है, लेकिन सड़क की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा। 20 साल से हम लड़ रहे हैं इसी संविधान का उपयोग करते हुए कि हम इससे लड़ेंगे, सांसद से लड़ेंगे, विधायक से लड़ेंगे, सबसे लड़के देख लिया, नतीजा 0 रहा, तो इसका विकल्प यही निकाला कि अब की बार हम लोग वोट नहीं करेंगे। शायद इससे कुछ अगर अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। चुनाव आयोग की टीम जब गांव में पर्चा बांटने पहुंची तो लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर उन्हें ज्ञापन सौंप दिया। पर्ची मैंने आज बांटी, वो किसी ने ली नहीं, केवल एक लोगों को मैंने पर्ची दे पाई, राजेंद्र सनो गेंदालाल पटाकी मड़ैया, तो वो ले गए और थोड़ी देर में वापस कर गए। जिला प्रशासन को पूरे वाकये की खबर है और वो इस उम्मीद में है कि गांव वालों को वोटिंग के लिए वो मनाने में कामयाब रहेंगे। जिस काम के लिए वो आज के लिए मांग कर रहे हैं वो भी यदि वो लोग सही सोच समझ के मतदान करेंगे तो जरूर उनको आगे जाके उनको जरूर प्राप्त भी हो सकती है। औरैया विधानसभा सीट पर तीसरे दौर में 19 फरवरी को वोटिंग होनी है और ऐसे में गांव वालों की मुहिम से चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब नजर उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में रिकॉर्ड मतदान से जुड़ी खबर है। जनता ने कल हुए मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहां की 69 सीटों पर 68% से ज्यादा मतदान हुआ और ये अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। उत्तराखंड की जनता पौ फटते ही मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंच गई। ये तस्वीरें राज्य के अलग अलग पोलिंग बूथों की है जहां जनता ने अपने मुद्दों की कसौटी पर नेताओं को तौला। पहाड़ी इलाके हो या मैदानी, हर जगह भारी तादाद में जनता वोट डालने पहुंची। उत्तराखंड वोटर टर्नआउट हैड बीन द रिकॉर्ड टर्नआउट, हाईएस्ट एवर। पहली बार वोट डालने वाले युवा हो या तमाम सरकारों के गवाह अनुभवी बुजुर्ग मतदाता, हर किसी के अपने मुद्दे थे, अपने मसले और अपनी अपनी पसंद। इश्यू यही है कि जो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का विकास हो, सड़कें सही हो, पहले से सरकार देख के चले, जो शुरुआत आ रही है उस पहले से काम करे, बाद में ये काम न करे चुनाव के टाइम में। सबसे पहले तो शिक्षा का मुद्दा है और स्कूलों में टीचरों की कमी है, सबसे पहले तो उन्हें सुधारना चाहिए सरकार को, वही सरकार को वोट दे जो आगे काम करे। मैं ये कहती हूँ कि अच्छे जो वो है गवर्नमेंट, उनको हमें लाना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो और जो जैसे जो यंग जनरेशन में जो जैसे बेरोजगारी है
उसकी ये जो मेन समस्या है उसको दूर करें। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। कर्णप्रयाग में बीएसपी प्रत्याशी की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद यहां मतदान टल गया था। कर्णप्रयाग सीट पर अब 9 मार्च को मतदान होगा। इस बार के चुनाव में कुल 69 सीटों पर राज्य में कुल 628 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 75,12,559 मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने कुल 10,685 मतदान केंद्र बनाए थे। इस बार को मिलाकर राज्य में अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। साल 2000 में अंतरिम सरकार बनने के बाद पहले चुनाव 2002 में हुए। इस बार 54.21% वोटिंग हुई थी। 2007 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 63.72% रहा, जबकि पिछली बार यानी 2002 में राज्य में 67.22% मतदाताओं ने वोट डाले। श्याम सुंदर, प्रणव गोस्वामी और नव विक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मणिपुर में दूसरे और अंतिम दौर के लिए भी नामांकन का आज आखिरी दिन है, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। कल नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा किया जाएगा। मणिपुर में दूसरे दौर में 22 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं राज्य में पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण में 4 मार्च को 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और मतगणना 11 मार्च को की जाएगी। कांग्रेस ने प्रजा पार्टी के नेता एरोम शर्मिला को टिकट और पैसे ऑफर करने के मामले में बीजेपी के चुनाव आयोग से शिकायत की है। दरअसल कुछ दिन पहले एरोम शर्मिला ने यह बयान दिया था कि बीजेपी ने उन्हें 36 करोड़ रुपए के साथ टिकट देने की बात कही थी। मीडिया में खबर आने के बाद बीजेपी ने इस खबर का खंडन किया था और कहा कि एरोम शर्मिला अगर आरोप साबित करने के लिए सबूत लेकर नहीं आई तो वो उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी एरोम शर्मिला के दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए वर्डिक्ट 2017। नमस्कार।